वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन आरसी एजुकेशन हब बांसुर ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी कंटिन्यू इन फिनोल केमिकल प्रॉपर्टीज एंड लास्ट केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनोल वी विल बी सी अदर टाइप रिएक्शंस। ऑलरेडी थ्री टाइप रिएक्शंस वी सी, दैट इज अदर रिएक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी डिफरेंट इंपोर्टेंट केमिकल प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस, वेरी इंपोर्टेंट for exams, you can see carefully, that is form from Reimer-Timman reaction। कहाँ से formation होता है इसका? Reimer-Timman जो reaction थी उससे इसका formation करते हैं। किससे formation करते हैं? Reimer-Timman reaction से formation करते हैं। आपको already याद होगा ये वाला Reimer-Timman reaction से बना था, क्या कहलाता है? Salicylic acid। क्या कहलाता है ये? Salicylic acid। और सैलिसिलिक जो एसिड होता है ये एनहाइड्राइड से रिएक्शन करता है। किससे करता है? एनहाइड्राइड से रिएक्शन करता है। एनहाइड्राइड से इसकी रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनता है। ये प्रोडक्ट बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ड्रग्स के अंदर इसका सबसे अधिक उपयोग होता है और आप ऑलरेडी इसको यूज करते हैं। स्टूडेंट्स आपका जाना पहचाना नॉन कंपाउंड है, दैट कंपाउंड व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? What will be the name of this compound? That is called aspirin। Aspirin जो ड्रग होती है यही होती है। Aspirin जो ड्रग है, aspirin किस में काम आती है? ये पेस्टिसाइड होती है। कैसी होती है? ये वाली जो होती है पेस्टिसाइड नेचर की होती है, ठीक है। दर्द निवारक जो होती है उसी के अंदर aspirin को यूज करते हैं। डिस्प्रिन की गोली होती है, टैबलेट्स यूज करते हो, वैसे ही कहिए एस्पिरिन है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एस्पिरिन का फॉर्मेशन क्या होता है? सैलिसिलिक एसिड का एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराने पर OCOCS3, ये COCS3 वाला पार्ट एडिशन हो जाता है, इनके क्या लगेगा अपने पास में? एस्पिरिन ड्रग का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, और नेक्स्ट ये एक है, लास्ट इसकी रिएक्शन है, वो रिएक्शन आप देख लीजिए। ये अदर है, एप्लीकेशन पार्ट है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। सोटन बोमान रिएक्शन कौन सी है? सोटन बोमान रिएक्शन है। और ये सोटन बोमान जो रिएक्शन होती है स्टूडेंट, फिनोल जो होता है वो बेंजिल क्लोराइड से रिएक्शन करता है। किससे रिएक्शन करता है? फिनोल जो होता है ये बेंजिल क्लोराइड से रिएक्शन करता है, C6H5 बेंजिल क्लोराइड से रिएक्शन करता है, बेंजिल एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन करता है कौन स्टूडेंट्स? फिनॉल। और फिनॉल किस रिएक्शन के थ्रू? वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन सिमिलरली टू एस्प्रिन, और इसमें फॉर्मेशन हो जाता है दिस टाइप कंपाउंड ओ C double bond O C6H5। इस वाले पार्ट से यहाँ से ये ब्रेक होगा, यहाँ से H2 है, ये वाला पार्ट है कंडेंसेशन रिएक्शन लाइक टाइप, -HCl का एडिशन हो जाता है, -HCl यहाँ से निकल जाता है और ये अपने पास में जो कंपाउंड बन गया है स्टूडेंट्स क्या कहलाता है? ये अपने पास जो कंपाउंड बना है ये कहलाएगा फिनाइल बेंजोएट। क्या कहलाएगा ये? ये कहलाएगा फिनाइल बेंजोएट, फिनाइल बेंजोएट कहलाता है। ओके, ये मोस्टली था, दैट केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड सोटन बोमान रिएक्शन कहलाती है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट्स, नेम रिएक्शन है, याद रखना सोटन बोमान रिएक्शन फिनोल के साथ रिएक्शन करती है। ओके, तो ओवरऑल वी स्टडी प्रीवियस क्लासेस स्टार्टिंग फिनोल एंड कंप्लीटली वी सी इट्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मैनी मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, इंडस्ट्री प्रिपरेशंस। टोटल समरी दिस टूडे इन दिस वीडियो यू विल बी सी व्हाट विल बी टॉपिक्स। आई टेल यू अगेन, बी केयरफुली यू रिविजन इट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट इट्स ए लेबोरेटरी मेथड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पार्ट, ए पार्ट लेबोरेटरी मेथड 4-5 रिएक्शंस, देन इंडस्ट्रियल मेथड, कॉमर्शियल मेथड 4-5 रिएक्शंस थी वो अपन ने स्टडी किया। उसके बाद अपन ने इसकी स्टडी की फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, मोस्टली था इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे था वो इंपॉर्टेंट पार्ट था,
और देन अदर वी स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल जो प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स वो कितने टाइप की थी, केमिकल प्रॉपर्टी मोस्टली 3 से 4 टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज थी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो केमिकल प्रॉपर्टी स्टूडेंट इसमें आने वाली थी वो था एसिडिक नेचर वाली जो OH ग्रुप की थी। देन वी सी द बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के आधार पर कौन कौन सी रिएक्शन आ रही थी वो अपन इसमें स्टडी किया था। और लास्ट में अपन ने देखा था अभी नेक्स्ट एक कंडेंसेशन रिएक्शंस थी। और एंडिंग में अपन ने शो किया इसमें अदर टाइप की जो रिएक्शंस हैं जो दो हैं, एक एस्पिरिन का फॉर्मेशन अपन ने किया है और एक शॉर्टन वोमान रिएक्शन है। इस रिएक्शन के साथ ही टुडे वी एंड द फिनॉल टॉपिक यूनिट नंबर 2nd पार्ट। फर्स्ट ऑलरेडी यू स्टडी एल्कोहल एंड 2nd इज फिनॉल एंड इट्स 3rd पार्ट इज विल बी ईथर। वी विल बी कंटिन्यू यूनिट नंबर 2nd इस 3rd पार्ट दैट विल बी ईथर कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लासेज। सो यू कैन इजिली कंप्लीट द नोट्स ऑफ फिनॉल। नेक्स्ट क्लास वी स्टार्ट ईथर दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ यूनिट नंबर 2। 3rd पार्ट कंपाउंड इज एल्कोहल फिनॉल एंड लास्ट इज ईथर। तो सो ऑलरेडी यू कंप्लीट फिनॉल टूडे। थैंक यू सो मच। यू कैन लाइक my videos on YouTube and subscribe our channels and also share with your dear friends so you they also can learn easily chemistry, organic chemistry, enjoy the chemistry very easy short way becomes chemistry organic your fear go out. I hope you will be learn step to step everything more times. No requirement for this type. Every reaction is not important, but there will be some important reactions is necessary for us to remind us according to our exam patterns. So dear students, I hope you will be enjoying organic chemistry with me. Thank you so much.